तुम्हें लेट हो गई उठने वगैरह में, पापा ने चिल्लाए। सुनीता चाय बनी कि नहीं बनी अब तक? हाँ जी बना रही हूँ, थोड़ा लेट हो गई थी ना आज। जब तुम्हें पता है पापा ने सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, तुम रात को जल्दी क्यों नहीं सोती? फिर तुम लेट करती हो सारे काम। भाभी मैं पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी उठने की, पर मैं क्या करूँ, मैं कभी कभार लेट सोती हूँ तो इस वजह से लेट उठती हूँ। अब मैं जानबूझ के थोड़ी करती हूँ, इंसान हूँ, गलती तो इंसान से ही होती है ना। ठीक है तुम्हारे बहाने भी हमेशा तैयार ही रहते हैं, जल्दी चाय बना दो, पापा लेट हो रहे हैं। हाँ जी भाभी बस हो गया, ऐसा करिए आप चाय ले जाइए, मम्मी पापा को दे दीजिए, मैं जरा और काम निपटा लूं। दो जल्दी। हर काम लेट करती है लड़की। सॉरी भाभी आगे से नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। दो कमाल है भाई, सीमा हैदर को भी क्या चढ़ी बता, अपने देश को छोड़ के आ गई और यूट्यूब वालों ने अरे कितनी वीडियो बना करी भाई, कमाल है भाई, ये यूट्यूब वाले कभी बाज नहीं आएंगे। तो तेरी की ऐसे फोन में लगे रहोगे, ऑफिस भी जाना क्या तुम्हें? पर हाँ अरे ऑफिस तो चला जाऊंगा, पता नहीं बहू कैसी आ गई घर में, है? इतनी देर होगी अभी तक चाय नहीं आई, बता क्या करूं? अरे क्या कर सकते हैं, तुमने बोला नहीं चाय के लिए। अरे बोल दिया कई बार, 10 बार बोलता हूँ जब एक बार चाय आती है। और ये देखिए सीमा हैदर को क्या चढ़ी, अपना देश छोड़ के आ गई यहाँ और कैसे कंगले के पास आई है बता। कंगले नहीं है वो, प्यार के चक्कर में आ गई, प्यार मोहब्बत है और आगे भगवान जाने। प्यार व्यार ही अब भी जल रहा ज्यादा है हाँ। अपने पति को छोड़ी आई, अपने बच्चों को लेकर आई है पाकिस्तान से, पता है आपको? हाँ वो तो पता है पाकिस्तान से, यूट्यूब वालों ने वीडियो इतनी बना रखी है। पता नहीं क्यों उसे इतना वायरल कर रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। देख एक नाफूस को ये मीडिया वाले भी इतना हाईलाइट कर दें हैं, एक ही दिन में सेलिब्रिटी बना दी है तो। और वो लड़का 6,000 रुपए की नौकरी करता था बता, 6,000 की शक्ल ना सुनो तो हाँ। झिंगुर सा है बिल्कुल ही, वही तो कमाल है। अब देख कैसी किस्मत जगी है उसकी, हमें इतने दिन हो गए जॉब करते हुए, हमारी 55,000 रुपए से ऊपर सैलरी नहीं बढ़ी। अब तुम एक बात बताओ, सीमा इधर वहां से यहां तक आ ली, तुम भी कभी घुमा के ले आया करो मुझे। अरे भाई एक बात सुन, सुनाओ। अब जमाना बदल गया, अच्छा। हमारी तेरी उम्र तो है नहीं अब, अच्छा। कि हम घूमते फिरेंगे, अरे कभी कभार अपना यही बतेरे पर्यटक स्थल है, अरे ताजमहल देखने चली जा, कुतुब मीनार देखने चली जा, बतेरे यही है अपने, और क्या हरिद्वार चलो, यही है अपनी उम्र। तो हरिद्वार भी लेकर तो जाओगे या घर में हरिद्वार बनाओगे? हाँ हाँ ऐसी बात नहीं है, लेकर जाऊंगा, पर चक्कर ये पड़ रहा मेरी जान को, मेरा बॉस इतना खड़ूस है, मैं उसके खिलाफ अगर एक शब्द भी बोलता हूँ ना तो तुरंत एक्शन लेता मेरे खिलाफ, पिछले महीने 7 दिन की सैलरी काट दी बता। अरे तुम बॉस के तौर पर से यही बताते हो, अब एक बात मुझे बताओ, वो बॉस है एम्प्लॉय थोड़ी ना है भाई, कहीं ना कहीं तो अपना रोब दिखाएगा ही दिखाएगा। अंजू एक काम कर, अब सब काम छोड़, चाय के लिए बोल जल्दी से, मैं लेट हो रहा हूँ। अक्षिता अक्षी, अरे चाय आ जाएगी आज की तारीख में? जवाब तो ऐसे देती है जैसे बहुत फास्ट काम कर रही है ये। जल्दी चाय आ गई, तेरी चाय के चक्कर में है ना, डेली ऑफिस के लिए लेट होते हैं ये कहाँ समझेगी इस बात को? मम्मी जी मेरा कोई कसूर नहीं, सारा कसूर सुनीति का है, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, उसे एक काम बताया चाय का, नींद नहीं खुलती उसकी, एक काम है उसका चाय बनाने का, वो भी लेट कर देती है। तुम दोनों की दोनों है ना एक जैसी हो, अपनी गलती उसके ऊपर, वो अपनी गलती तेरे ऊपर। अरे पसंद भी तो तुमने की थी ये दोनों है, अब झेल ही ने तू, देख कैसे जुबान चला रही है। इन दोनों की नींद ही पूरी नहीं होती, इनसे कुछ भी कहो एक दूसरे पर अपनी गलतियां डालते रहते हैं। अरे कुछ भी है
मैं कितनी भी बुराई करूँ तेरे से इनकी, पर वे खाना और चाय बढ़िया बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात है संस्कार अच्छे हैं। अरे आजकल का तो ये दौर चल रहा है, नए नए बच्चे देर रात तक मोबाइल में लगे रहते हैं और फिर देर तक सोते हैं सुबह। अब तुमने बुराई तो कर दी, उनके सामने तुम बुराई कर देते हो, विलन तुमने मुझे बना रखा है। चलो अब एक बात तो बता दो, दोनों भूखों में से तुम्हें खाना किसके हाथ का ज्यादा पसंद है? अब बात कही है तन्ने पतेगी। हाँ बताओ। देख भाई, चाय तो मुझे लगती है बड़ी के हाथ की पसंद है। अच्छा। और जो खाना बनाती है ना, वो छोटी बहू इतना बढ़िया बनाती है। सुनिधि। हाँ, मैंने आज तक किसी फाइव स्टार होटल में भी नहीं खाया इतना बढ़िया खाना। चलो। और मेन चीज यही होती है, लड़की को खाना बनाना जरूर आना चाहिए। और होटलों के खाना खाते हैं आजकल के नए नए बच्चे, होटल के ये क्या बोलते हैं सैंडविच पैंडविच हैं पिज्जा विज्जा, इनसे शरीर का नुकसान ही होता है। ये चीज ये नहीं समझती, पर क्या करें हम भी। अरे कोई बात नहीं, चलो अब मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो। वैसे एक बात बता जो, चाय किसने बनाई थी आज ये? चाय तो सुनिधि ने बनाई है। चाय सुनिधि ने बनाई है? हाँ। इसका मतलब ये भी टेस्टी चाय बनाती है। तो एक काम करना, आज शाम को मसूर की दाल और चावल खाने का मन कर रहा है। ठीक है, जैसे ऑफिस से आऊंगा बढ़िया बढ़िया टेस्टी दाल और चावल बनवा दे आज बस। ठीक है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और फोन कर लेना मुझे बॉस से, अगर आज दिक्कत हुई तो मैं वो जो छोड़ ही दूंगा। सच बता रहा हूँ, मैं खुद ना खाया हूँ उससे आज, कई बार फोन कर लिया लगातार। तो आप डेली लेट हो जाते हो, फोन नहीं करेगा तो क्या? देख अंजू, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ठीक है ना, अपनी मर्जी से जॉब करूंगा, उसका दबा नहीं बसता मैं। आज जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, और शाम को दाल चावल का ख्याल रखना। ओके, ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम को दाल चावल का ख्याल रखना। ठीक है, बन जाएंगे तुम्हारे। ओके ओके, बाय। ये कैसी चाय बनाई है तूने? क्या हो गया दीदी? पापा का सारा मूड खराब हो गया, पता है तेरी वजह से मुझे मम्मी और पापा दोनों से गालियां पड़ी हैं। काम नहीं आता तुझे? क्या हो गया? मैंने चाय तो ठीक बनाई थी दीदी। बात सुन, आज के बाद जो भी काम करना है ना मुझसे पूछ के किया कर। क्यों दीदी? तुझसे बड़ी हूँ मैं, जो भी काम करेगी मुझसे पूछ के करेगी तू, ठीक है? चल जल्दी खाना बना। और विशाल। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसा है तू? बढ़िया सर, आप सुनाइए। बढ़िया। कौन कौन सी फाइल आई है सर? एक ये फाइल थी ये बॉस ने कहा इस पे आपके साइन चाहिए। अच्छा अच्छा, उस प्लांट की है तो? हाँ जी, बाहर वाले की। जी जी। या साइन चाहिए। पहले पढ़ तो लूँ, ऐसा में कुछ क्या लिख दें पता नहीं, बॉस का दिमाग मैं जानता हूँ ना। और एक बात कहूँ सर, बॉस कल रात आप पर बहुत नाराज हो रहे थे। नाराज हो रहे थे? हाँ, कह रहे सुरेंद्र रोज लेट आता है। ऐसा कह रहे थे? हाँ जी, और कह रहे थे सर कि आपकी बार अगर लेट आया तो सर कह रहे 10 दिन की सैलरी काट लूंगा मैं, ये तो कह रहे थे वो। अजी हाँ, हाँ। अच्छा बैठ तो आराम से। जी सर। देख भाई, घर गृहस्थी का मामला है जी, अक्सर लेट हो ही जाते हैं। जी सर जी। अगर हर महीने मेरी सैलरी ऐसे कटेगी तो मेरी गृहस्थी तो चलेगी नहीं भाई। पिछले महीने उन्होंने 7 दिन की सैलरी काटी थी जी। मैं कुछ नहीं बोल रहा, अगर अब की बार वो 10 दिन की सैलरी काटने को कह रहे हैं खाली लेट आने की वजह से, तो मैं ये जॉब छोड़ ही दूंगा फिर, ठीक है ना। और अब एक काम करना जी सर, बॉस से बोल देना जो भी फाइल में साइन होगा ना वो तभी होगा, पहले अपना मन बना ले कि मेरे से काम कराना है या नहीं कराना। अगर कराना है तो अक्सर लेट सवेर तो मैं आऊंगा ही, ठीक है जी सर। और अब साइन मैं तभी करूंगा, अब बात कर लेना पहले, ठीक है, मुझे फोन पे बता देना। जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बता दूं। बॉस ने कहा कि
की 10 दिन की सैलरी काट लेंगे। सर कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ूंगा। हाँ भाई आ गया हांड कर है? अब तो एक बात बता, तुझे कोई काम वाम मिला या नहीं मिला? काम की बात कर रही माँ, मार्केट बिल्कुल डाउन जा रही, तड़ा जा रही, काम को मिला मार्केट में। हाँ तुझे तो काम मिलेगा है, आज तो सुबह सुबह ही चढ़ा ली, तूने कैसे हमारे नाक में दम कर रखे हैं, जीन देगा या नहीं जीने देगा हमें तू? माँ तुझे ना पता जी दुख मान रहा, काम नहीं है, अब के करूं, काम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब दिल तो थामना पड़ा है, इसलिए पी लियो मैं थोड़ी बहुत। हाँ, सारी दुनिया का दुख तेरे पास ही तो आ लिया है ना। हाँ। पीपी के देख कैसा बेवड़ा बना पड़ा है, हालत देख अपनी। माँ मैं बेवड़ा ना हूं, ये तो मैं दिल के गम बुला रहा हूं, बेरोजगार हूं, तेरे जैसी मजा कह काम नहीं करता, काम हो जीवी तो करूं। तेरे जैसा ने कौन बेवड़े को काम देगा है? पीके दर दर घूमता रहता है, कुछ तो शर्म कर ले, ऐसे तेरी गृहस्थी चल जाएगी है? तुझे पता घर में कितना नुकसान हो रखा है काम वाम में, हाथ बटवाने से गया पीके टल्ली होकर घूमता रहता है तू। देख माँ जो नुकसान होना था वो लिया, ये तो ज्यादा लेक्चर ना दे। पी हुई सारी तार दी, 24 घंटे लेक्चर देते रहे, चलो अपने कमरे में। नहीं पीपी का सारा खोपड़ा खराब कर दिया हमारा तो। मम्मी जी देवड़ा कहीं का क्या हो गया? अरे सुबह सुबह पिया है आज। मम्मी जी मेरी मम्मी एक बात कहती हैं, जिस घर में नशा और कलेश का साया पड़ जाए ना उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। हाँ तो सही कहती तेरी माँ, इसमें गलत क्या है, ऐसा कौन देगा ऐसा काम? मम्मी जी आप चिंता मत करो, वक्त इनको खुद समझा देगा। वो तो है, चल सुनील तू भी अब आराम कर ले। हाँ जी मम्मी बस जा ही रही थी। सुबह से तू भी काम में लगी हुई है। और अमित कहाँ है? मम्मी जी वो आने वाले होंगे, मैंने उनको फोन किया था, बस वो रास्ते में आने वाले हैं। चल ठीक है तू आराम कर ले भाई। ठीक है मम्मी आप भी आराम कर लो। हाँ चल। बस मैं आपके लिए पानी लेके आ रही हूँ। रुको ये बैग भी रख देना, हेलमेट भी रख देना। आप थक गया, पूरे दिन काम करा आज, एक मिनट को भी आराम नहीं मिला। जाओ काम बाद में कर लेना, पहले पानी ले आओ। लाइक लीजिए आपका पानी। अच्छा मुझे आपसे एक बात करनी थी। बताओ क्या बात करनी है? अरे वो नवरात्रे आने वाले हैं ना। हाँ। तो मैंने सोचा इस बार मैं भी नवरात्रों की व्रत रख लूं। अरे यार तुम क्या करोगी नवरात्रों के व्रत रख के, यार घर में काम ही इतना रहता है। तो वो तो मैं कर लूंगी, वो तो व्रत में भी कर सकती हूँ। अरे एक बात बताओ सुनिधि, भाभी ने तो कभी नहीं रखे। अरे तो भाभी ने नहीं रखे तो क्या हो गया, मैं तो रख सकती हूँ, और वैसे भी माता रानी की व्रत रखना अच्छी बात होती है। अरे वो तो बात ठीक है तुम्हारी, पर तुम कैसे रह पाओगी, मुझे तो लगता नहीं है तुम व्रत रह पाओगे। अच्छा मैं क्यों नहीं रह सकती, मैं रह सकती हूँ। चलो देखते हैं, भाभी ने तो नहीं रखे कभी व्रत। अरे तो भाभी ने रखे तो क्या हो गया, मैं रख लूंगी ना, और वैसे भी माता रानी की व्रत रखना अच्छी बात होती है। ये क्या हो रहा है, बहुत भाभी भाभी लगा रखी, क्यों शर्म चल रखा तुम दोनों ने? अरे कुछ नहीं भाभी, वो ना ये व्रत रखने के लिए बोल रही थी। नवरात्रे आ रहे हैं ना। मैं सब समझती हूँ, ये व्रत क्यों रख रही है, काम ना करना पड़े, इसे खाने को बढ़िया बढ़िया मिलेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, काम तो मैं सारा कर ही लूंगी, और रही बात खाने की, तो खाने की इतनी जरूरत नहीं है, भूखी रह सकती हूँ मैं, क्योंकि मन में श्रद्धा है।
सब समझती हूँ तेरी श्रद्धा को, बस बहाने चाहिए तुझे आराम करने के। अरे क्या शोर मचा रखा है सुबह से? नमस्ते। क्या हो रहा अभी? सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं, तुम्हारा यहाँ तांडव मचता है। आखिरकार बात क्या है? पता नहीं कैसे। कुछ नहीं पिताजी, बस दिमाग खराब कर रखा है। अरे आखिरकार कोई तो बात होगी। क्या बात होगी बहू से जो इतना शोर मचा रखा तुमने? पिताजी ये व्रत रखने के लिए बोल लिया है। अरे तो इसमें बुराई क्या है भाई? नवरात्र आ रहे, व्रत रखने दे। अरे भाई इतनी अच्छी सोच है बहुओं की, हैं? व्रत रखनी है, घर की सुख शांति के लिए रखनी है, इसमें बुराई क्या है? अरे पिताजी मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, इस घर में आज से पहले तो कभी व्रत नहीं रखे गए। अगर तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, रख लेगी। मिल गई आपको तसल्ली? सुन ली पापा जी की बात? जब मैं कह रही थी मेरी बात तो आपको समझ नहीं आ रही थी। पापा जी आप मेरी बात सुनो, ये कोई भी श्रद्धा भाव नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ क्या चाहती है कि इसे आराम करने को मिले और अच्छा अच्छा खाने को मिले, सिर्फ यही कारण है व्रत रखने का, और कोई कारण नहीं है। अरे बहू वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तू भी उसके साथ में व्रत रख, घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि बढ़ेगी। समझती नहीं है तू मेरी बात को? अरे हम बड़े हैं, तुम्हें अच्छे के लिए कहते हैं सब कुछ। अमित और आगे से ध्यान रखना, कोई भी काम हो रहा है गलत है या सही है, और अमित मेरी बात सुन, तू छोटी बहू जो भी करती है बिल्कुल सही करती है, उसके अच्छे विचार हैं, अच्छे संस्कार हैं उसके अंदर, जो भी वो कहेगी जो भी करेगी अच्छा करेगी बस। ठीक है पिताजी, अगर आपको यही सही लगता है ना तो हम भी रख लेंगे साथ में व्रत। अब हुई ना अच्छी बात? अरे घर में खुश रहो सब, तभी तो खुशहाली आएगी घर में। चलो अब उठो काम करो सब। देखा मैंने आपसे सही कहा था, आप मेरी बात समझते ही नहीं हो। अब पापा जी की बात मानी ना आपने? चलो यार रख लेना, कोई बात नहीं यार, तुमने यार आते में सिर में दर्द कर दिया। अच्छा पूजा की बात कर दी तो आपके सर में दर्द हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब यार तुम्हें एक बात तो बताओ, अम्मा आया हूँ, तुमने मेरे लिए कुछ बनाया? हाँ दाल चावल बनाया, लाऊं? जाओ ले जाओ। चल आप मुँह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लेके। हमारी कुछ इज्जत भी है घर में? मेरी तो इज्जत बहुत है, तू अपनी देख ले, अपने कर्तव्य देख ले, तेरे कर्तव्य कितने खराब हैं। दूसरे पे उंगली उठाए जाके अपना देख ले, भुंगी शक्ल की बात सुन मेरी, भुंगी शक्ल के वो जो है ना व्रत रख रही है और पापा की नजरों में अच्छी बन रही है, और जो तू दारू पीवे ना घर का काम नहीं करता, कोई नौकरी नौकरी नहीं तेरी, हमारा क्या होएगा? तू कुछ समझ भी रहा है इस बात को? तू अपने लक्षण सुधार ले, मेरे पे ध्यान ना दे। अरे मेरा तो बापू कुमारा माँ कुमारा, जब तक मैं खाऊंगा मौज लूंगा। पता नहीं मेरी शादी किससे करवा दी, तू भी मुझे कह ले, पता भी मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं। और क्या मैं पड़ोसन को हूँ काम तो तू मेरे बराबर रोज ही रोज। अरे बेचारे चौखा काम, तू भी कर ले करना उसी के अलग का काम। हाँ तू भी कर दो उसकी तारीफ, हर जगह उसका इलाज चल रहा है, मैं तो कुछ हुई नहीं इस घर में। मर पर दूसरे की बुराई कर जाएगी 24 घंटे अपने आप को देखते नहीं, काम दाम करते नहीं, वहां तो बेचारी चौखी मजाक आई, लियो भाई साहब चाय पी लो, लियो भाई साहब खाना खा लो, और जब भी आओगी आग काटू चले आओ। मैडम को पता एक फोन था वो भी छीन कर गिरेगी।
यार गोविंदा की डायलॉग मुझे सबसे बेस्ट लगे, ठीक है ना, गोविंदा की सारी फिल्में देखता हूँ। सोमिंदा तो मैं हूँ ही, अरे नहीं डायलॉग देखता हूँ मैं, चश्मा लगा के देखता हूँ, हमको ऐसे ही अच्छा लगता है देखो। अरे ये बंद ही है, बता तू क्या कहा? मम्मी जी प्रशांत, पापा जी जय हो माता रानी। देखा हमारी बहू के संस्कार, ये इसे कहते हैं संस्कार। अरे भाई सबके अपने अलग विचार होते हैं, उसका नहीं लगता भक्ति भाव में जी, हम उससे जबरदस्ती थोड़ी कराएंगे भक्ति, जैसा कर रही है ठीक कर रही है। हाँ ठीक तो कर ही रही है, उससे कुछ भी कहो ना खाने के लिए दौड़ती है वो एकदम। देखो पूरे परिवार में अगर एक व्यक्ति भी भक्ति भाव का होता है घर में तो घर में खुशहाली आ जाती है, कहते हैं ना नाव के सहारे कील तैरती है, एक आदमी के कारण ही पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। कम से कम वो भक्ति भाव कर रही है छोटी बहू, हमें तो उसमें खुशी है, अच्छी बात है। नहीं वो तो है अच्छी बात, तो थोड़ी सी समझ बड़ी वाली को भी आ जाए ना। अरे भाई थोड़ा अपने मिल बांट कर रह ले, अपने प्यार से रह ले। वो तो बात ठीक है, मिल बांट के रहने वाली बात, सबके विचार अपने अपने अलग हैं, जैसा कर रही है करने दे, तू अपने काम पे ध्यान दे बस। तुम एक काम करो, अक्षय को भी समझा दो, और तो और वो शाम के टाइम पीता था, कल पता उसने क्या किया, सुबह सुबह पी कर आ गया वो। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या हुआ, क्या बात चल रही है? उसे भी समझा लो, तेरे बड़े भैया जो है, मतलब उसने दिन में ही पीना शुरू कर दिया, टल्ली होकर घूमता रहा इधर से उधर, गिरता पड़ता, जो चल रहा ना चल ले। अरे अमित आखिरकार वो चाहता क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है वो? जिस इंसान का काम धंधा ना होता ना पापा, तो वो ऐसे करता। तो मेरी बात सुन, उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी एक बार बता, आज को तो बच्चे नहीं है, अगर कोई बालक नन्ना होने लग जाएगा तो कैसे उसकी गृहस्थी चलेगी? अब वो तो उसे सोचना चाहिए ना इस बात को। एक बात बता, अब तो हम सब कंबाइंड हैं, एक साथ रह रहे, कोई दिक्कत नहीं, कल को न्यारे भी होंगे फिर क्या होगा भाई? और नारे न्यारे वाली बात भी ना है, कल को हम हों या ना हों, हम क्या सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे? देखो मम्मी मैं तो देखो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अमित तू ठीक कह रहा है, तू तो अपने पैर पर खड़ा हो गया, पर उसका क्या करें, ये तो बता कब तक चलेगा ऐसा, एक ना एक दिन न्यारे भी होंगे फिर क्या होगा? पापा तुम उसकी चिंता छोड़ दो, जो होगा उसका भगवान मालिक, तुम ना अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, तुम क्यों टेंशन ले दो बेफालतू में। ठीक है अमित जैसा तू कह रहा ठीक है, हम तो भगवान भरोसे ही हैं भाई, हम तो ये चाहे उसकी घर गृहस्थी ठीक ठाक चल जा, संभल जा वो, पर तू ठीक कह रहा जो उसके भाग में लिखा होना तो वही है, चलो भाई अच्छी बात। चलो ठीक है पापा, मुझे भूख लग रही है, ठीक है बेटा खा ले जा। दीदी जी ये लीजिए प्रसाद। कैसा प्रसाद है ये? अरे दीदी जी माता रानी का प्रसाद है। मुझे नहीं चाहता प्रसाद, क्या पता तुम उसमें कुछ मिला के लाई हो। अरे नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं बोलते, ये माता रानी का प्रसाद है, ऐसा नहीं बोलते पाप लगता है। मेरे सामने ना ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, जो तो चाल चल रही है ना मैं सब जानती हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो अच्छाई का तू नाटक दिखा रही है ना, सबको अपने वश में कर लिया है, तो और मेरे पति को भी अपने वश में कर लिया तुमने, वो भी तेरी तारीफ करता जाता है। दीदी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अपने काम से काम रख ले और मुझसे दूर रह ले तू, समझ गई, जा यहाँ से। दीदी जी एक काम कर दिए ना, अमित जी को खाना दे देना, वो मैंने बना दिया है, बस आप उनको दे देना। क्यों तेरा पति तू दे दे। दीदी जी मैं पूजा कर रही हूँ ना, इस वजह से आपको बोला, नहीं तो मैं दे देती। जा मैं अपने आप कर लूंगी जो काम करना है, चल। हस्बैंड तक मेरी बात नहीं सुनता, मम्मी पापा सब, छोटी बहू बड़ी बहू तो है ही नहीं इस घर में कुछ भी, पता नहीं क्या बिगाड़ दिया मैंने इसका।
ना कुछ तो मैं भी करूंगी इसका जरूर। और अमित क्या हाल है? अरे यार राज भाई और बताओ कैसे हो? तुम बढ़िया हो सुनाओ। और कैसा आना हुआ? बस यार थोड़ा पास में जा रहा था, सोचा मिलता चलो। अच्छा चलो ठीक है, तुम आ जाओगे, आज मेरी छुट्टी भी थी। तो बढ़िया हुआ है। तो और तुम बताओ तुम्हारा काम धंधा सही चल रहा? बस यार चल तो ऐसे ही रहा, बस ज़्यादा मजेदारी बात नहीं है। अच्छा क्यों? वही बॉस की टेंशन, बार बार लेट आते हो, इतनी छुट्टी करते हो। अब यार एक बार तो फैमिली में तो छुट्टी होती है ना। अरे यही तो लफड़ा मेरे पापा के साथ चल रहा है, उनके भी बॉस ऐसे कह रहे हैं। अच्छा पर मेरे बॉस तो बड़े अच्छे हैं, मेरे बॉस कभी नहीं कहते मुझसे ऐसी बात। मैं तो यार छोड़ूंगा ये नौकरी, देखता हूँ दूसरी जगह अप्लाई करूँगा मैं। अच्छा तो मेरे ऑफिस में कर लेना। तो ऑफिस में वैकेंसी है? हाँ बढ़िया यार, करवा मेरा जुगाड़ यार। तेरी माँ क्या सैलरी है? मेरी 20,000 प्लस है। 20,000 प्लस है? चल कोशिश करूँ तुझे 20,000 प्लस ही दिलवाऊँ यहाँ पे। बहुत यार पार्टी चलेगी अच्छी। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ पहले तुम पढ़ाई में क्या कर रखा तुमने? तुझे पता नहीं है इतने दिन दोस्ती हो, तेरे को पता नहीं? अरे मैं भूल गया ना, ग्रेजुएशन हूँ मैं। अच्छा तुमने ग्रेजुएशन कर ली? क्या तुम मेरे साथ 12वीं तक तो पढ़ा था यार, जब मैं वहाँ चला गया दिल्ली। हाँ 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 वहाँ करिए फिर मैंने बुआ के यहाँ पे रहकर। चल ठीक है मैं तेरी बात करता हूँ। ठीक है अरे यार ठीक है, बड़ा परेशान हूँ यार शादी के बाद, तुझे तो पता ही है देख ले। अरे एक बात बता दो, तो मेरी शादी में भी नहीं आया? अरे बॉस मैं तुम्हें बताने लगा छुट्टी नहीं देता वो, उसकी वजह से लफड़े चल रहे हैं घर पे भी। अरे एक दिन की तो दे देता छुट्टी, शादी को दिल दिल्ली थोड़ी ना हो रही है। क्या करूँ मैं तो बहुत परेशान हूँ यार। चल कोई बात ना मैं तेरी बात करता हूँ जो पर। ठीक है कर दे यार। अब ऐसे करते हैं बाहर को चलते हैं, मुझे कुछ काम भी है और तुम्हें समय निकल रही हो। चलो ठीक है। अरे अरे कह दी तो कह दी यार, वो तो यार परेशानी चल रही है, तेरी भाभी नुकह रही थी कहीं घुमाने ले जाते। अच्छा अच्छा अब क्या करूँ, पैसा नहीं है और ऊपर से वो छुट्टी हो जाती है, साला अगले दिन ही निकाल देगा मुझे। चल कोई बात ना तू टेंशन मत ले, तेरी जो कोई बात मैं करूँगा। मेरा भाई है। चलो चल। मैं क्या करूँ इस सुनिधि का कुछ समझ नहीं आ रही। पापा को इसके हाथ की चाय पसंद है, मम्मी को इसके हाथ का खाना पसंद है, और तो और मेरा पति भी इसी की साइड लेता है कि वो बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, जैसे मैं तो किसी का ख्याल रखती नहीं हूँ। बस सब कुछ इसलिए हो रहा है क्यों, इसका पति जो नौकरी लग गया है और मेरा पति शराब के नशे में कुछ काम नहीं करता। क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? इस तरह तो सारी प्रॉपर्टी इसके हाथ आ जाएगी, मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे सब समझ आ रही है सुनिधि किसके दम पे चढ़ रही है। क्यों, इसका पति नौकरी लगा हुआ है, कमा के लाता है, आखिर व्रत रखेगी, सबको संभालेगी। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। एक काम करूंगी, इसका राड़े खत्म करूंगी, इसके ना दूध में चूहे मारने की दवा मिला दूंगी, जब बांसी नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी, सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा इसका। फिर देखूंगी कैसे आके बनती है, मम्मी जी चाय, मम्मी जी खाना लो, भाभी भाभी करती ना पीछे आई तो बताऊंगी इसे, इसे भी घर से निकाल लूंगी मैं। फिर देखूंगी राज के साथ चलता है, ऐसे करना पड़ेगा मुझे। और फिर देख घर पे राज किसका चलेगा, सिर्फ अक्षिता का, और सभी देखना मेरे काबू में कैसे आएंगे। पर इस चिमड़ी सी को घर से बाहर मैं ही निकलवाऊंगी। पता नहीं दीदी मेरे से इतना क्यों चिढ़ती हैं, हमेशा ही मुझसे चिढ़ी रहती हैं। मैंने तो आज तक कभी उनको कुछ कहा भी नहीं, और जैसा वो कहती हैं हमेशा वैसा ही करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे पे इतना चिल्लाती हैं, इतना गुस्सा करती हैं। सारा काम मैं करती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ, यहाँ तक उनकी बातें भी मैं ही सुनती हूँ, फिर भी मेरे पे ही चिल्लाती हैं वो। ये भी नहीं कि मैंने उनकी कोई बात का जवाब दिया हो, हमेशा उनकी बात मानती हूँ, हमेशा बड़ी बहन की तरह मानती हूँ उन्हें, लेकिन वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती हैं। पता नहीं क्या करा ऐसा मैंने जो वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। घर में सब मुझसे अच्छे से बात करते हैं सिवाय दीदी के। मैंने इतनी कोशिश करी उनके दिल में जगह बनाने की, लेकिन
दीदी ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। रहने तो सुनी थी, तो थक गई होगी रहने थे। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं थकी, आप आराम कीजिए। तू इतनी अच्छी क्यों है? अरे मम्मी जी सब ऐसी है, बस आपको मैं ही अच्छी लगती हूँ। अच्छी क्यों ना लगेगी भाई, तेरे संस्कार इतने अच्छे हैं, तेरी बोली में इतना मिठास है, तो बता क्या तो तुझे कोई इंसान अच्छा बताएगा। मम्मी जी जो अच्छा होता है उसको सब अच्छे ही दिखते हैं, तो आप भी अच्छे हो इसलिए आपको मैं अच्छी दिख रही। बता, और वो बड़ी वाली हमेशा नाक चढ़ा कर रहती है? अरे नहीं मम्मी जी, क्या पता आज तक उन्होंने ऐसे काम वाम नहीं किए हो, ऐसे रहा ना हो वो परिवार में, तो इस वजह से उनको ना आता हो ये सब। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा जी अरे कैसे, क्या सेवा चल रही है भाई? कुछ नहीं पापा जी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तुम कैसे आ गए अभी, एक घंटा भी तुम्हें हुआ ना है। ऑफिस में कोई बातचीत होगी क्या? अरे कोई बात, क्लर्क बैठा हुआ था। हाँ बॉस आया नहीं था। मैंने कहा भाई एक बात सुन, अब पेमेंट ना 10 दिन की ना 1 दिन की बिल्कुल नहीं कटेगी। अगर पेमेंट कटेगी तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, सीधी बात है, कुछ और काम कर लूंगा, जरूरी नहीं है मैं नौकरी करूं। कमाल करता है बॉस, अरे अपनी नहीं देखता, अपनी किस टाइम आता किस टाइम नहीं आता, हम पर दबाव जमा रहा है रात दिन। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम गुस्से में अपने बॉस को बोल तो आए, घर का कैसे करोगे? अरे भाई तू चिंता ना कर, देख सीधी सी बात है, मुझे बॉस की बिल्कुल नहीं सुननी अब, मैं कोई भी काम कर लूंगा, जॉब से तो निकाल देगा, निकाल दे, छुट्टी, बहुत काम है आजकल, ऐसी बात नहीं है। अरे आजकल मोबाइल पे बहुत सारे ऑनलाइन काम चल रहे हैं, घर बैठे काम करो पैसा कमाओ, हमें दिमाग है हम मोबाइल से पैसे कमाएंगे अब। अरे फिर भी एकदम कैसे होगा, तुमने अच्छी टेंशन दे दी। अरे कोई बात नहीं, क्या बेटा अपना दिमाग भी थोड़ा शांत रखा करो तुम। क्या करूं, मेरे बस की नहीं है सुननी बिल्कुल भी। ये बेटा जब देखो डांट मारता रहता है। अरे मुझे नहीं सुननी किसी की डांट वाट बेकार की, अपना दिमाग शांत रखा करो तुम। अरे बेटा नमस्ते, नमस्ते। कैसे बात है? क्या बताऊं पापा, हाँ ऑफिस में बैठे थे, पता नहीं अचानक तबीयत खराब हो गई। अरे ऐसा तो नहीं है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है इस वजह से होगी वो। अरे बुखार बुखार तो ना हुआ था? बुखार ही तो हो गया मम्मी, बहुत तेज बुखार हो रखा है। मैं बताऊं इनकी तबीयत तो खराब हो रही है। हाँ सुबह प्रसाद दिया था ना इसे, कहाँ से पढ़वा के लाई होगी, आप सब समझ नहीं रहे हो इसकी चाल को, क्या चाल खेल रही है, बस इसके अच्छाई के दिखावे में आ रहे हो सब। मैं तो कहती हूँ अभी भी टाइम है, समझ जाओ, अभी तो सिर्फ ये बीमार हुआ है, कल को कुछ और अनहोनी होगी तो आप उसे बुलाओ, उससे पूछो क्या बात है। रुको भाभी मैं बुलाता हूँ। सुनिधि, सुनिधि आंटी इधर आना। पहले तो तुम ये बताओ तुमने प्रसाद में क्या मिलाया था? प्रसाद में कैसी बातें कर रहे आप? बता दूं मैं, मेरी बहुत तेज तबीयत खराब है इस टाइम, जब से मैंने प्रसाद खाया ना जब से सिर में दर्द है और बहुत तेज बुखार है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, प्रसाद तो मम्मी जी ने भी खाया था, पापा जी ने भी खाया था। तू क्यों बकवास कर रहा है, तूने अकेले ना प्रसाद खाया है, प्रसाद तेरे पापा ने नहीं खाया क्या, मैंने नहीं खाया क्या, हमें तो कुछ नहीं हुआ है। तू बकवास कर रहा है, उसके उसके कहने में तू वो कर रहा है विश्वास। प्रसाद से तो सबकी तबीयत ठीक होती है, आपने बाहर ही कुछ खाया होगा। अच्छा मैं बाहर कुछ खा लूंगा, मैं सुबह बस ये चाय परांठे खा के गया था। अरे कमाल कर रहा है तू, वही प्रसाद हमने भी खाया, तेरी मम्मी ने भी खाया, अगर तबीयत खराब होती तो हम सब की होती, तेरी अकेले की क्यों होती, उस पर वैसे ही शक कर रहा है तू। तू इसकी बात पे विश्वास कर रहा है, इसकी बात पे कभी विश्वास भी मत ना करियो, तुझे पता ना कैसे आग लगाती हूं मैं पूरे घर के अंदर ये है? पता हादा मैं तुझसे तो भाई। आप सब इसकी बातों में आ रहे हो ना, आप सबको तो बहुत अच्छी लग रही है ये, पर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, जितना बुरा मुझे सोचते हो ना इतनी बुरी नहीं हूँ मैं, और आपको आज गलत लग रही है ना मैं, अब तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना ये क्या करेगी, और आपकी आंखों पे ना पर्दा जलाओ, पर्दा याद रखना मेरी बात को। बहू जा तू अंदर जा। समझ नहीं आ रहा। चलो पापा कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। आखिरकार इस परिवार में हो क्या रहा है, हम तो यही नहीं समझ पा रहे। चलो ठीक है मैं दवाई वाई लेगा, तो मेरी बहुत तबीयत खराब है। जा तू अंदर आराम कर ले। पहले मैं दवाई लिया हूँ। हाँ जा दवाई लिया। सुनिधि ले जा अंदर।
अंजू ये कुछ दिन से इस घर में हो रहा क्या है? हमारे तो कुछ भी नहीं हो, तुम आज मारा करूं तो करूं क्या? अब मैं घर में कुछ ना हो रहा, सब वहम है ना। घर में सब अपने अपने चलाएंगे तो घर में कलेश बाजी होएगा। और जिस घर में कलेश होगा उस घर में कभी सुख शांति आ ही नहीं सकती। कोई किस रास्ते पर जा रहा, कोई किस रास्ते पर जा रहा है, कोई दूसरा किसी के सुनने के तैयार नहीं है। तो कलेश ना घर में तो क्या होएगा बताना जरा। हे भगवान, हमारे घर की सुख शांति को हो क्या रहा है? पता नहीं, बहू दोनों ठीक हैं, कोई सी गलत नहीं है, अभी से हमारे घर में शक बाजी शुरू हो गई है। और जिस घर में शक की दीवार हो जाती है ना, शक की कभी कोई दवाई नहीं हुई। तुम बहू के लिए बोल रहे हो, दोनों भाई सही हैं। कौन सी दोनों बहू सही है? ये अक्षिता सही हो जाए ना तो घर में कलेश बाजी खत्म हो जाए। अरे क्या कर रही है अक्षिता, ये तो मुझे आग नहीं पता तो लगा। सारी वही लगा रही है अक्षिता। कौन सी आग लगा रही है? घर में जो कलेश बाजी हो रहे हैं ना, आप देख नहीं रहे? आप देखो समझो, ये जो हो रहा है ना घर के अंदर, ये अक्षिता ही करवा रही है और कोई नहीं करवा रहा। तो अक्षिता को तू समझा तो सकती है ना? मैं क्या समझाऊं, वो तो अपने आप को सही साबित करने के लिए बस सुनिधि को नीचे गिराए जा रही है। वो तो चाहते कि सुनिधि आज गिर जाए और आज घर से निकल जाए। अरे आखिरकार तो उसकी सास है, उसे समझा सकती है। हम तो एक मर्द हैं, मर्द औरत को नहीं समझा सकता। अक्षिता को कोई नहीं समझा सकता, वो समझने वाली होती तो कब का समझ जाती। ज्यादा अपने आप को बन रहा है ना जो आज इसका जाड़ा काट के दूंगी। अब देखूंगी कैसे सबको अपने कब्जे में लेती है। मेरे पति, मम्मी जी, पापा जी और सभी इसकी साइड ले रहे, मतलब सबको बता भी रही हूँ, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा मेरे ऊपर। मैं बुरी हूँ, वाजी वाह। अब देख रहे तू अरे देवर जी, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, अब कैसे हो तुम? तो भाभी ऐसी हालत है। अच्छा लो दूध पी लो, थोड़ी एनर्जी आएगी तुम्हारे। लो अपना ख्याल रखा करो, ठीक है ना? और उसे थोड़ा बच के रहना तुम। किससे? अपनी पत्नी से और किससे? अरे भाभी तुम भी कैसी बात है। चल तुम दूध पियो, ठीक है मैं आती हूँ। हेलो सर जी। हेलो, हाँ ठीक, नौकरी पक्की है ना मेरी? बस नौकरी पक्की रहनी चाहिए, मजा आ जाएगा। हाँ है दूध तो यार, रोटी भी नहीं मिले थी, पानी भी नहीं, आज दूध धरा, किसके नाम का आया होगा ये दूध? चलो बहुत दिन बाद दूध की शक्ल देखी, मैं पी जाता हूँ। अच्छा दूध पी लो। ये दूध देवर जी ने पिया ना? ना मैंने पिया। ये दूध आपने पिया? हाँ मैंने पिया, तू ऐसी क्या बात होगी? हे भगवान तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, मेरी तबीयत तो मेरी तबीयत क्या हुआ? माँ पापा तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? ना अभी क्या है? माँ पापा, माँ माँ जल्दी आओ, पापा माँ जल्दी आओ, कोई इन्हें खतरा है मुझे। क्या हो गया? इन्होंने दूध पी लिया। अरे तो दूध ही तो पी लिया, क्या हो गया? इस पर रोने वाली क्या बात है? क्या हुआ माँ? पता नहीं क्यों रोया जा रहा है, दूध पी लिया, दूध पीने में क्या दिक्कत है? अरे कोई बात नहीं भाभी, भैया ने पी लिया तो मैं दोबारा पी लूंगा। ये दूध इसके लिए था। क्या हो गया? तो क्या बात है इसमें? इनकी जान को खतरा, प्लीज इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, प्लीज इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। क्या हो गया तुझे? दूध पीने में हॉस्पिटल क्यों लेकर जाए? क्या बात है, सच सच बता क्या हो गया? इस दूध में जहर मिला था। जहर मिला हुआ था? तुझे कैसे पता इसमें जहर मिला हुआ था? इसमें जहर मैंने मिलाया था। क्या
मैं जलन के मारे इनको तबाह करना चाहती थी, तो मैंने देवर जी को जहर देने की कोशिश की, बड़ी गलती से इन्होंने पी लिया। इन्हें बचा लो, इन्हें इन्हें कुछ हो जाएगा ना, इन्हें प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। इन्हें हॉस्पिटल ले चलो प्लीज, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, प्लीज इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, चलो चलो। अरे सब चुप तो हो जाओ, एक मिनट पहले डॉक्टर साहब को फोन कर लूं। कर जल्दी कर, जल्दी करो, मैं तो यहीं बुला ले। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूँ डॉक्टर साहब, वो मेरा जो बड़े भैया ना, वो पता नहीं उनको क्या पी लिया। घर पे हो ना तुम? मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, मेरे बड़े भैया ना, उन्होंने ना मैं दूध में जहर पी लिया, मतलब चूहे वाली दवाई। हाँ जल्दी आ जाओ, तो हॉस्पिटल ले गए, आऊं बताओ कैसे करूं? हैं? ठीक है डॉक्टर, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इन्हें लेके चलो, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ दूं जो आप ये बात, टाइम नहीं है, ऐसा मत करो। हमें तो किसी है वो नहीं, चलो अक्षय, अक्षय भाभी अगर तुम्हें मकान चाहिए था या तुम्हें और कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, हम जल्दी इसको लेट लो। तू डॉक्टर को फोन कर, आएगा एक बार चेक तो करेगा, फोन कर दोबारा जल्दी फटाफट, प्लीज कुछ करो, ऐसे मत करो, प्लीज कुछ करो, ऐसे मत करो। भैया कुछ नहीं हुआ है, भैया भैया खड़े हो जाओ, ठीक है? देखा, मैं ये तेरी अचरित बहुत दिनों से देख रहा था कि एक औरत चाहे तो घर को बसा सकती है, चाहे तो घर को उजाड़ सकती है, घर का नाश करके तबाह कर सकती है घर को। कहते हैं औरत एक दुर्गा भी होती है और नाश करने वाली भी नाश में काल का भी होती है, औरत का कोई पता नहीं होता किस वक्त क्या कर दे। पर भैया एक बार भाभी से ये तो पूछो, मैंने इनका क्या बिगाड़ा? मैंने आज तक भाभी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, कभी अपनी भाभी मान के मैं तो अपनी मम्मी मानता हूँ, एक तरह से जैसे मेरी ये माँ है ऐसी मेरी ये माँ। एक बात बताओ अक्षिता, हमें इस बारे में पहले ही पता था और हमने नाटक इसलिए किया सबने मिलकर ताकि तेरी आंखों से पर्दा हट जाए। मुझे माफ कर दो आप सब। अगर भाभी देखो तुम्हें ये चीज चाहिए, सब ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम मुझसे वैसी मांग लो, मैं वैसी चला दूंगा। तुम्हें भाइयों का प्यार नहीं पता, भाइयों का प्यार कितना बड़ा होता है। इस पृथ्वी पर भाइयों जैसा रिश्ता किसी का नहीं हो सकता, और तूने उस प्यार को तोड़ने की कोशिश की, उस घर परिवार को तोड़ने की कोशिश की। अक्षिता इतनी शर्मनाक हरकत की है तूने कि हमें क्या कहें बस, आज के बाद भविष्य में ऐसा कभी सोचना भी मत। नहीं माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे आज समझ आ गई कि मेरी सबसे बड़ी दौलत आप सभी हो, परिवार हो, और इनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने जब तुम दोनों के साथ गलत करने की कोशिश की, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। आज जब मुझ पे बीती मुझे पता चला दुख क्या होता है जब आपका संसार उजड़ जाता है। नहीं मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ दिल से, जो मैंने पाप किए हैं मैं उनका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अमित, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना तो उसे माफ कर देना चाहिए, और इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब ये भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेगा। सब लोग हम एक साथ मिलकर खुश रहेंगे। सब लोगों ने बोल दिया तो एक बार सुनिधि से भी पूछ लो कि सुनिधि क्या चाहती है। हमेशा आपके साथ, पापा जी के साथ इस घर में ही रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी इस घर को कभी छोड़कर।
सुनिधि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बहुत बड़े गुनाहगार हूँ। नहीं दीदी जी, आपने माफी मांग ली हो, आप तो मुझसे बड़ी हो, और गलती इंसान से होती है, भगवान से थोड़ी। देखा उसके संस्कार, तुमसे छोटी होते हुए उसके अंदर कैसे संस्कार। आपने उसका घर उजाड़ने की कोशिश की और आज भी वो तुम्हारे पक्ष में है, आज भी तुमसे माफी नहीं मंगवाना चाहती। चलो आपको समझ आ गई, सब लोग खड़े हो जाओ और सब आज के बाद कोई भी किसी तरह की गलत बात नहीं लाएगा अपने दिमाग में। तो दोस्तों आपको हमारी मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, जिस तरह का हरकत हमारी बड़ी बहू ने की है, इस तरह की हरकत आप कभी अपने घर में मत करना, इससे घर उजड़ता ही है, बर्बाद होता है, खुशियां चली जाती हैं। जय हिंद जय भारत। और मैं सभी महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि भाई को भाई से कभी न तोड़ने की कोशिश करें, सिर्फ जोड़ने की कोशिश करें। अगर भाई जहां जुड़ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी एक पावर हो जाएगी। तो सभी मिलकर के रहें। जय हिंद जय भारत। तुमने तो एक कहावत सुनी होगी कि भाई मारेगा तो छाना घेरेगा, तो भाई को कभी मत ना अलग करो और हमेशा प्यार से रहो, सबका सम्मान करो, छोटों का बड़ों का सबका सम्मान करो।